प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेडशीट के स्टैंडर्ड टूल बार को लेकर। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड टूल बार? स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स आर। अब जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो अपने अंदर तरह तरह के अलग अलग आइकन्स को कंटेन करता है, और आइकन्स को हम इसके अंदर क्या बोल देते हैं, टूल्स, इसके काम करने वाले जो टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारी की सारी चीजें आपने 9th क्लास में भी देखी हुई है। ठीक है, न्यू क्या होता है? न्यू से क्या काम होता है, ओपन से क्या होता है, सेव से क्या होता है, प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, स्पेल चेक से क्या होता है, अंडू से, रीडू से क्या होता है, हाइपरलिंक, ऑटो सम, सॉर्टिंग और जूम, ये नई चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा स्प्रेडशीट के अंदर यूज करके। सबसे पहले न्यू। न्यू का काम होगा, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था ना, उसके अंदर न्यू से क्या होता था, नया डॉक्यूमेंट आ जाता था, नया पेज आ जाता था। इसके अंदर क्या होगा, न्यू से नई वर्कबुक आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने स्प्रेडशीट को ओपन करके ही रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कबुक और बन जाएगी यहाँ पे, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ये बन गई ब्लैंक वर्कबुक। तो न्यू टूल के साथ हम इस तरह से न्यू वर्कबुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, ओपन। इट इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब ओपन का काम होता है हमारी पहले से बनी हुई जो वर्कबुक है उसको ओपन करना, पहले से जो शीट हमने, पहले से जो हमने वर्कबुक को सेव किया है उसको ओपन करना। जैसे फॉर एग्जांपल इस शीट के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 55, 45, 35, 32, 89 और यहाँ पे मैंने करवा दिया सम। ठीक है, 256। अब इस वर्कबुक को हम कर देते हैं सेव। ठीक है, सेव पे क्लिक किया, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ड्राइव के अंदर गए, ड्राइव के अंदर जैसे एफ ड्राइव है जहाँ पे हमने इसको सेव करना है। ठीक है, चाहे ई के अंदर सेव करो चाहे एफ के अंदर सेव करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया न्यू फोल्डर पे, न्यू फोल्डर का नाम यहाँ पे रख दिया रिकॉर्ड्स। अब इसको करते हैं ओपन, एक बार फिर से ओपन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कबुक का नाम। ठीक है, वर्कबुक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे जो भी शीट है जिसके अंदर हमने ये काम किया, जैसे मान लो मैथ्स का काम किया तो यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स। ठीक है, सेव, ये हो गई हमारी वर्कबुक सेव। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। ठीक है, अब देखो बंद कर दिया, ये ब्लैंक वाली है। ठीक है, अब ओपन का काम होगा पहले से जो हमारी स्प्रेडशीट बनी हुई है उसको ओपन करना। अब यहाँ पे सेव हो जाता है, रिसेंट हमारा जो काम होता है वो यहाँ पे भी सेव होता जाता है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो कंप्यूटर के अंदर जाना है, ब्राउज के अंदर जाना है, और इसके बाद हमने कहाँ पे बनाया हुआ, जैसे एफ ड्राइव है, यहाँ पे हमने फोल्डर का जो नाम था वो रिकॉर्ड रखा हुआ था। ठीक है, रिकॉर्ड्स, उसके अंदर ये देखो ये वर्कबुक ओपन। तो हमारी जो पहले से बनी बनाई जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इट इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेव। इट इज यूज टू सेव अ वर्कबुक। ठीक है, जैसे मैंने अभी सेव वाला प्रोसेस किया वो सेम वही है। फोर्थ पॉइंट है प्रिंट। इट इज यूज टू प्रिंट अ वर्कशीट और पार्ट ऑफ वर्कशीट। ठीक है, अब देखो ये प्रिंट का जो काम होता है वो होता है वर्कशीट को प्रिंट करने का। ठीक है, या वर्कशीट का कोई पार्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट कमांड रहती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है शीट को प्रिंट करने से पहले उसका एक व्यू देखना। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये शीट है, यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे जैसे मान लो सम किया हुआ है वैल्यूज का, तो यहाँ पे ये आ गया। या यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स लिख देते हैं,
यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे आ गया जैसे रमेश, रीना, राजेश, सोनू, यहाँ पे अंकित, ठीक है, राहुल, यहाँ पे आ गया क्लास, जैसे नाइन्थ है, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ, यहाँ पे आ गए मार्क्स, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको हमने प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद पेज लेआउट के अंदर जाके प्रिंट एरिया के अंदर हम कर देते हैं सेट प्रिंट एरिया, ठीक है, ये एरिया सब। अब प्रिंट जो होगा वो यही एरिया होगा। अगर हम सीधा कमांड दे देना यहाँ से प्रिंट की, बिना सिलेक्ट किए हो, तो पूरी की पूरी शीट के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा कहीं भी, वो सारा का सारा ये प्रिंट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं, फिर हम फाइल के अंदर जाके यहाँ पे प्रिंट की कमांड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे ये साथ में हमें ये प्रीव्यू भी दिखा देता है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू वाले फीचर भी इसके अंदर ये, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है, 2013, ठीक है। तो इसके साथ हमें यहाँ पे ये प्रीव्यू भी दिखाता है कि पेज के ऊपर ये कैसे छप के आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉपीज जितनी निकालनी कॉपीज एंटर की और यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाया और ये हमारा पेज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 6 पॉइंट है स्पेल चेक, इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। अब जो स्पेल चेक का काम है वो एरर्स को डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करने का। अब देखो, अगर शीट के अंदर मान लो हमने कोई स्पेलिंग लिखी यहाँ पे और गलत हो गई, जैसे DIS, यहाँ पे मैंने ऐसे गलत लिख दिया इसको, ठीक है, डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिख दी और नहीं आती है या गलत लिखती है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर रिव्यू के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है स्पेलिंग, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग्स रहती हैं, यहाँ पे ऑटो करेक्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमें और कोई चेंजेस नहीं करनी है, देखो DISCIPLING, ये यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो ठीक हो गई, तो स्पेल चेक की यूटिलिटी भी इसके अंदर है। उसके बाद है कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। अब 7th पॉइंट है कट कॉपी पेस्ट वाला। अब कट कॉपी तो आपको मैंने बताया हुआ है, मान लो इसको हमने शीट के ऊपर कहीं और पे भी इसको, या इसको मूव करना है, तो उसके मूव के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके लिए हम कट कर देते हैं, ठीक है। मूव के लिए क्या करेंगे हम, कट, ठीक है, ये देखो कट किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने इसको कर दिया पेस्ट, ये देखो मूव हो गया। लेकिन मान लो हमने इसकी कॉपी यहाँ पे भी रखनी है, यहाँ पे भी रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉपी, कॉपी किया और यहाँ पे आए और इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। अब देखो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर मैंने स्टाइल्स अप्लाई किए, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, हाँ, इनका मैंने साइज भी चेंज कर दिया, यानी कि फॉर्मेटिंग की मैंने इसके ऊपर अप्लाई। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो सेम फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर की है, इसको हम बाकी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है, अभी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, और जैसे यहाँ पे भी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, सेम फॉर्मेटिंग को दूसरी टेक्स्ट या नंबर्स पे वैसे ही अप्लाई कर देता है ये फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद अंडू रीडू, यहाँ पे भी अंडू रीडू ये है, देखो या तो कंट्रोल, ये तो आपको पता है कंट्रोल जेड से होता है अंडू, ठीक है, और कंट्रोल वाई से होता है रीडू, अंडू और रीडू ये है, यहाँ पे अंडू और रीडू यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइपरलिंक, इट इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक टू ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट, ठीक है। हाइपरलिंक से यहाँ पे हम हाइपरलिंक भी सेट कर सकते हैं, कि लिंक जिसके जरिए जो है कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है वो भी ओपन हो जाती है, या किसी वेबसाइट का नाम लिखें तो वो भी ओपन हो जाती है, अगर कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट किया हो। अगर इंटरनेट कनेक्ट किया तो वैसे, अगर किसी डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हो तो वैसे, ठीक है। देखो लिंक कैसे देना है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे हमने करना है राइट क्लिक, यस, बिल्कुल बॉटम में आता है हाइपरलिंक। जैसे मान लो किसी डॉक्यूमेंट का हमने यहाँ पे लिंक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जाएंगे किसी ड्राइव के अंदर जहाँ पे हमने कोई फाइल रखी हुई है, उसका जो लिंक देना है, ठीक है, ये एफ ड्राइव के अंदर गया मैं, और यहाँ पे मैंने एक ये बनाया हुआ है, एक टेक्स्ट फाइल भी बनी हुई है,
इसको तो मैं रहने देता हूँ ना। यहाँ पे माय लेटेस्ट कोड, न्यू फाइल अपलोड, जैसे न्यू फाइल अपलोड है इसके ऊपर कर दिया मैंने। यार मान लो ये, जैसे मान लो ये एक वीडियो है, वीडियो को लगा के देख लेते हैं इधर। ओके, ये देखो हाइपर लिंक लग गया यहाँ पे। देखो उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके ये बोल रहा है कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। अब ओपन करके देख लेते हैं, वुड यू लाइक टू ओपन दिस फाइल। ओके, ये देखो पूछ रहा है ये ओपन करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट हमने यहाँ से किसी वीडियो या ऑडियो को भी हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखो ये वाली वीडियो भी ओपन हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक। हाइपर लिंक से हम किसी भी लिंक्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं, लिंक्ड वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये लिंक दिया कि यहाँ से www.google.com जो है वो ओपन हो जाए, तो ये लिंक लग गया यहाँ पे। लेकिन ये बोल रहा है कि कैन नॉट लोकेट द इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर, इंटरनेट नहीं जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ ये कनेक्ट नहीं, बंद है, सिग्नल नहीं चला। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक्स हैं। उसके बाद आता है ऑटो सम। इट इज यूज टू फाइंड सम ऑफ न्यूमेरिक ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। अब देखो ऑटो सम का काम मतलब ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज को सम कर देता है। इट इज यूज टू फाइंड सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। देखो मान लो जो भी हमने न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे ली हुई है ना, जैसे मान लो ये है, इनका हमने यहाँ पे जोड़ करवाना, नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो टोटल इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो इनका हमें सम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इनको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और देखो होम टैब के अंदर यहाँ पे है ये ऑटो सम। जैसे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसका जोड़ भी आ गया नीचे, 327 इसका जोड़ बना, ये सम बना। ठीक है, तो ऑटो सम। उसके बाद है 12 पे सॉर्टिंग। इट इज यूज टू अरेंज द सिलेक्टेड सेल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ना ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि करते हैं बढ़ते क्रम में किसी भी चीज को दिखाना, सॉर्ट करना है मतलब चीजों को। जैसे उल्टी गिनती है तो उसको सीधा करना है, या अल्फाबेट उल्टे हैं तो उनको सीधा करना है, या उल्टों को सीधा करना है, सीधे को उल्टा करना, या जैसे नंबर्स हैं उनको जैसे 100 to 1 लिखना है तो वैसे, या 1 to 100 लिखना है तो वैसे सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये देखो, मान लो हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जैसे सीधे क्रम में। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में देखो यहाँ पे हमारे पास ये रहता है सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, जैसे मान लो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, तो यहाँ पे एक्सपेंड कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन सॉर्ट। ये देखो 34, 35, 36 हो गया, 66, 67। मान लो इनको उल्टा दिखाना है, उल्टे क्रम में दिखाना है, ये जो दिखा हुआ है A to Z या Z to A, मतलब ये नंबर्स के ऊपर भी सेम वही चीज़ अप्लाई करता है। ये देखो 59 ऊपर आ गया, 67 नीचे चला गया, सारी की सारी इनको बोलते हैं हम सॉर्टिंग करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। उसके बाद 13 पे है जूम। इट इज यूज टू एनलार्ज द साइज ऑफ वर्कशीट। ये देखो ये जूम का काम होता है, शीट का जो साइज है उसको एनलार्ज करना या फिर उसको कम करना। ये कटा भी सकते हैं, एनलार्ज भी कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ये देखो ये है नीचे, ये देखो जूम इन, यहाँ से जूम आउट, जितना मर्जी छोटा कर लो उसको, एनलार्ज कर लो, डिक्रीज करो चाहे इंक्रीज करो। ठीक है, ये तो आज के लिए जो था हमारा ये स्टैंडर्ड टूल बार, यही काफी था। कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।